रिश्ते खींचते तो सांस ही फूल गई। बैग में है क्या? हिप्पो या हाथी का मोटा सा बच्चा या आम का पेड़? इसमें छुट्टी की एप्लीकेशंस हैं। स्कूल में छुट्टी के लिए रोज बहाने बनाने पड़ते हैं ना, इसलिए मैंने डॉक्टर से पूरे साल की छुट्टियों पर साइन करवा लिए हैं। अब जब भी मुझे छुट्टी लेनी होगी ये एप्लीकेशन लगा दूंगा। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? इतनी छुट्टियाँ किस लिए? माफी लॉ की वजह से माइलों पर बिजली करंट के हमले होते रहते हैं और भेड़ियों के हमले भी। तुम ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड? ये क्या है? माइलो अजगर के पेट में है। तुम दोनों को डर नहीं लगता? और चाहे जितनी मर्जी छुट्टियाँ हो, बहाने मारने के बजाय मैं डॉक्टर की एप्लीकेशन दिखा दूंगा। रुको, माइलो। रमेश भैया, ये माइलो के नाम का बोर्ड क्यों बनवाया है? मुसीबत रोकने के लिए। हम यहाँ माइलो के लिए ही खड़ा हूँ क्योंकि माइलो का मतलब है मुसीबत। नाक पे उंगली? उसकी नाक दबाने से मुसीबत नहीं आती। नाक दबाओ, प्रॉब्लम भगाओ। फिलहाल तुम भागो यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड रमेशवा को इधर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तुम तो नकली गार्ड लगते हो। ये भी नकली है, मतलब तुम यहाँ टाइम पास करते हो। हम अपनी मर्जी का गार्ड हूँ। हमें तो लगता था तुम यहाँ जॉब कर रहे हो। खैर जो भी हो, हमारा मजाक ना बनाओ। ये ट्रैफिक इंचार्ज रमेशवा तुम्हें यहाँ हमेशा खड़ा मिलेगा। तुम कभी बैठते क्यों नहीं हो? हमारे पास कुर्सी नहीं है। मुझे मकड़ी से डर लगता है अंकल। अगर वो पहली एप्लीकेशन नहीं मिली तो बाकी भी बेकार हो जाएंगी। अगर वो नहीं मिली तो मैं फेल हो जाऊंगा। डरो मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। पर कैसे? अब तक तो वो हवा में उड़कर ये तो नहीं उड़ी। मैं इसे उठाता हूँ। मोबिलो बूम। गई भैंस पानी में। जानती हूँ। चलो पकड़ते हैं उसे। कोई गड़बड़वा मत करना। पापा मम्मी बुला रही है। हम माइलो को संभालूं या मम्मी को? मेरी एप्लीकेशन वापस दो। हम नहीं रुकने वाले। काश मैं बैग में साइकिल रख लेता। बैग में साइकिल? ओ, वो देखो। मुझे मिल गई, मिल गई, मिल गई, उड़ गई। अब ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया? हमारे जासूस सिट्रॉन पर माइलो का लेटर। कहा था ना माइलो के इलाके में मत जाना। पर सर दूसरे रास्ते पर भयानक तूफान आया हुआ था। कैसा तूफान? सुनामी वाला सर। माइलो सबसे बड़ी सुनामी है। मैं कचरे में फंस गया हूँ। उसे भूल जाओ और डॉक्टर से नए साइन ले लो। पर डॉक्टर आज गोल्फ खेलने गए हैं और वो भी नहीं पता कहाँ। आप माइलो के डॉक्टर हैं क्या? नहीं। एक दो तीन चार पाँच, वो सातवें माले पर हैं। चलो। यार ये तो अखबार का ऑफिस लगता है। हाँ चारों तरफ पेपर ही पेपर है। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? अंदर चलो और ढूंढो। आंटी प्लीज अपना चाय का कप हटाइए ना, वो मेरा पेपर है। थैंक यू। ये कैसा मैजिक है? चाय के कप ने तुम्हारे पेज पर इस ऑफिस के मालिक की सेम टू सेम तस्वीर बना दी है। चमत्कार हो गया। इसे हम लोग फ्रेम करवाएंगे। ये पंखा क्यों चलाया? अरे भाई बहुत गर्मी लग रही है। पेपर्स की बरसात क्यों हो रही है? इससे अच्छा तुम अपने डॉक्टर को ढूंढ लो माइलो। डॉक्टर को ढूंढने का कोई चांस ही नहीं है। क्या तुम वो डॉक्टर हो? नहीं। पेपर का गेम खत्म। हम हार नहीं मानेंगे। अब हम खाना तब ही खाएंगे जब माइलो के हाथ में वो पेपर होगा। पर मुझे तो भूख लगी है। मेलिसा कसम खा चुकी है जैक। क्या कहा? कसम? हाँ माइलो पेपर ढूंढने की कसम। ओ, अच्छा वाओ। तो चलो हो जाए। ऐसा लग रहा है सर यहाँ सब कुछ बड़ा बड़ा लग रहा है। स्पेस से तो पृथ्वी फुटबॉल जैसी लगती है। ये सब एस्ट्रोनॉट को देखने आए हैं। एस्ट्रोनॉट को ही नहीं, आज यहाँ नया रेस्टोरेंट खुलने वाला है। ये सब वहाँ फ्री का बर्गर खाने आए हैं। तो एस्ट्रोनॉट का क्या चक्कर? उसके पास बस का किराया नहीं था तो वो कार में लिफ्ट लेकर घर जा रहा है।
एस्ट्रोनॉट को देखो। एस्ट्रोनॉट को नहीं, हम पेपर देखने आए हैं जैक। नहीं, मेरा मतलब देखो डीओजी भी आ गया। क्या हुआ? वो देखो डीओजी ने पेपर ढूंढ लिया। डीओजी से कुछ सीखो जैक। ओके, सीख लूंगा। एस्ट्रोनॉट सर, रुकिए।